किसका कैसा समय है। पहले तो पार्टी का एक बैठक है, रात भी रुकूंगा तो देख लेता हूँ कैसे क्या होता है। सर बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगती है, असम का ज्यादा है, अभी क्या हालात बने हुए हैं बॉर्डर? अभी हालत एकदम ठीक नहीं है और वहाँ का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता है। सर राहुल गांधी अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं लेकिन हिंदू शब्द का यूज नहीं करते, जबकि अल्पसंख्यक है हिंदू बांग्लादेश में। देखिए जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट दो तीन महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है, हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा, यही कांग्रेस है। सर ये क्या बताता है? सर क्या बताना है, आप भी खुद अगर, मैं पता नहीं, अगर आप हिंदू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है। सर जो बॉर्डर्स पे पहुंच रहे हैं काफी संख्या में, देखिए अभी भारत सरकार ने ये इजाजत नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए, किसलिए? तब समस्या समाधान नहीं होगा, आप तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते हो। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें, और इस विषय में भारत सरकार जो व्यवस्था लेगी स्टेट गवर्नमेंट उनको ही फॉलो करेगा, हमारा खुद कुछ अपना व्यवस्था उसमें नहीं होगा। सर आपने एक ट्वीट में कहा कि आसाम में कुछ जिले मिनी बांग्लादेश हो रहे हैं। देखिए मैंने ये दिखाया बांग्लादेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बांग्लादेश में हिंदू का संख्या 33% से घट के 8% हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ है। अगर वही आंकड़ा आप बंगाल असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहां में भी वही परसेंटेज में हिंदू घाटा है, हिंदू का संख्या घाटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया, एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घाटा है और असम में 9% हिंदू घाटे हैं। मतलब देश में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वो कैसे एक भूगोल में कि ये बांग्लादेश है इसीलिए वहां हुआ है, इंडिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है बांग्लादेश से साटे हुए, हर जगह में ये हिंदू शिफ्ट हो रहा है, हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है। सर आपके आपके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए थे
कि असम की चिंता हिमंता को नहीं है बल्कि झारखंड की चिंता। देखिए, मैं असम में रात 2-3-4 बजे तक मेरा जिम्मेदारी में निभाते रहता हूं, लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी का कोई बात का जवाब देना नहीं चाहूंगा। किसलिए? आज उनका जन्मदिन है, भगवान उनको लंबा आयु दे। और आज दिन में, कम से कम आज का दिन, हम कोई उनका साथ डिबेट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि हेमंत सोरेन जी को लंबा आयु दे भगवान, और उनको सुख समृद्धि, परिवार को, सारे परिवार का सदस्य गण को सुख और समृद्धि मिले। सीए में कुछ सिंप्लीफाई किया गया? देखिए, सीए का जो प्रेजेंट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसमें कुछ समस्या है, और उनको सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई सारे आवेदन निवेदन भारत सरकार में गया है। क्या नोटिफिकेशन निकाला है वो मेरा नजर में नहीं आया है, जब आएगा तब मैं टिप्पणी करूंगा।